नमस्कार मेरे सारे भाइयों को, मेरा प्यार और सभी का हार्दिक अभिनंदन है द रियल व्यू चैनल में। और आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ, और बताने क्या, अपना कुछ विचार है मेरे अंदर जो दो तीन दिन से मेरे मन में गूंज रहे हैं। हालांकि बहुत पहले से ये विचार हैं, लेकिन अब तक मैं रख नहीं पाया हूँ इनको अपने चैनल पे। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबके सामने अपने उन विचारों को व्यक्त करूँ। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो अभी पहले से ही बता दे रहा हूँ भाई, आप में से जो भी सज्जन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें लगता है, जिन्होंने आज तक मेरा कोई भी वीडियो अगर देखा है, उन्हें लगता है कि यार मेरी बात किसी भी बात में जरा सी भी दम है या भारीपन है या वाजिब बात है, तो वो ही रुकें इस वीडियो पे। अन्यथा लोग जो हैं जिन्हें नहीं पसंद है खाम खां की बातें सुनना, वो जा सकते हैं और अपना मनोरंजन किसी और चैनल पर कर सकते हैं, उनका समय में बेकार नहीं करूंगा। जो मैंने थंबनेल लगाया, इस थंबनेल से संबंधित जिनको इस चीज पे, इसकी जानकारी पे या इन लोगों के चैनल देखने में रुचि है, सिर्फ वही लोग यहां पर रुके। और उनको मैं खुले शब्दों में बता दूं भाई, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, जब तक मन करे तब तक देखना, इतनी लंबी होने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैं अपने जो भी मेरे अंदर भरा पड़ा वो सारा कुछ निकालूंगा यहां पर। बहुत दिनों से ये मेरा दूसरा वीडियो है, द्वितीय वीडियो है ये, जिस पर मैं अपना तर्क वितर्क रखने आया हूं। और ये भी बता दूं कि मेरे इस वीडियो के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझसे असहमति रखेंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सहमति रखेंगे। तो ये तो दस्तूर है भाई, इसको क्या किया जा सकता है, इसको दरकिनार करते हैं। और अब आते हैं अपने डिस्क्लेमर पे, जो कि मैं दे देना चाहता हूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये इस वीडियो में जो भी मेरे द्वारा कही हुई बातें हैं, ये मेरे अपने मन के निजी विचार हैं जो मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि पहुंचाने का हरगिज नहीं है, और किसी भी प्रकार से मेरे वीडियोस में किसी भी टाइप की नफरत फैलाने का काम नहीं किया जा रहा है। जो मेरे अपने विचार हैं सिर्फ वो मैं व्यक्त कर रहा हूं, और बाकी YouTube की लाइफ से अलग, वीडियो की लाइफ से अलग एक जो निजी जिंदगी होती है, उस जीवन में मेरे जितने भी आप सब भाई हो, यूट्यूबर हो, वो सब मेरे हृदय से जुड़े हुए व्यक्ति हो, और सबका सम्मान है भाई। तो अभी इस वीडियो में मैं क्या तर्क वितर्क रख रहा हूं, उसको अगर चाहना आप लोग तो इग्नोर करना, और चाहना तो भाई हृदय में बसा लेना, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं अपने वीडियो की। यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, मैं किसी एक तरफ झुकाव में नहीं रहना चाहता। जरूरी नहीं होता है कि यार, जैसे लोग कहते नहीं कि तुम हो किधर, इधर हो या उधर हो, उसकी तरफ से या इसकी तरफ, भाई ये तरफ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? आपको पूरा अधिकार होता है, आप स्वतंत्र आदमी हो, आप जो चाहो वो बोलो, किसी के भी बारे में अपने विचार रखने का आपको पूरा अधिकार है, बशर्ते वो विचार मर्यादित भाषा में होने चाहिए। अमर्यादित अगर होंगे तो वो कहीं ना कहीं कानूनन गुना होता हो, ठीक है? तो मैं यहां जो भी अपने विचार रखूंगा वो मर्यादित भाषा में रखूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं एक एक तर्क की जो मेरे अंदर भरा पड़ा। भाई कुछ सवाल हैं और कुछ विचार भी हैं, उनको बताते हैं आप रहा हूं कि सबकी अपने अपने प्रशंसक होते हैं, कोई बाध्य नहीं होता है किसी का प्रशंसक छीनने पे, और कोई नहीं छीन सकता है। एनालिसिस करने वाला हो, किसी को एक्सपोज करने वाला बंदा हो, अगर उसके प्रशंसक हैं तो वो कोई नहीं छीन लेगा, और
जिसके बारे में एक्सपोज किया जा रहा है अगर उसके कोई प्रशंसक हैं तो वो भी ये बंदा नहीं छीन सकता सामने वाला। ये हकीकत है, इन चीजों को समझो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मतलब खाम खा की जो है वो ले लेते हो भाई। हम यार किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। बस मेरा कथन सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी है किसी भी टाइप की, उसे यार सुलझाने का प्रयास करो, एक दूसरे को मतलब डिमोलाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता हमारे हिसाब से। अपनी समस्या का हल स्वयं आप लोग निकालें और कोशिश करिए कि आपस के मसले आपस में बात करके निकालें। इस तरह वीडियो बना करके एक दूसरे को कोसना अशोभनीय लग रहा है यार दोस्तों, अशोभनीय लग रहा है मित्रों, मतलब दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, वो कुछ कहें आपके बारे में या आप कुछ कहो। अच्छा इसमें एक पॉइंट और आपको बता दें कि कहते नहीं कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा और कोई बाहर वाला आकर अपने घर से हमें निकालेगा। तो अभी वक्त है इस चीज को यार एक होकर के चलने में ही अच्छाई है, कोई फायदा नहीं है। बुराई में कभी कुछ नहीं रखा यार, हिंसा में कभी कुछ नहीं रखा है, ये मैं सभी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि सभी अपने भाई हैं, दोनों जो भी हैं वो अपने भाई हैं। तो यार मसले सुलझा लो यार आपस में बैठ करके, जो भी जिसको शिकायत हो। और हाँ, इस वाले पक्ष को अगर बोलें तो सीधी सी बात है भाई, देखो ताली यार दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि इस वाले के मन में ये होगा कि तुम खट्टे हो, तुम्हारे मन में होगा यार ये खट्टा है। दोनों लोग अपनी अपनी खट्टास के लिए क्षमा प्रार्थी बन जाओ, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता दोस्तों, कोई नहीं छोटा होता है। तुम अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाओ और तुम अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाओ, फिर देखो कितना जो है सुनहरा काल आता है यूट्यूब की जिंदगी में। और दोनों ही लोग बेहतरीन बिंदास काम करो, आपका जो है कमियां निकालने काम, आप कमियां निकालो भाई। देखो हम तो सिर्फ आग्रह कर सकते हैं दोनों लोगों से, हम एक होते देखना चाहते हैं, हमने कभी किसी को जो है अलग होते देखा ही नहीं। मेरे पिछले वीडियो में उठाओ आप, दो पॉपुलर यूट्यूबर भी आज अलग अलग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सच बताएं उनको एक करने के लिए हमने जमीन आसमान एक किया, लेकिन उन्हें एक करते करते हम बेकार हो गए, हम ही दोनों लोगों के बुरे हो गए। आज दोनों के मन में हमारे लिए खट्टास है न जाने क्यों, और वो भूल गए, दोनों पगले भूल गए, दोनों भूल गए कि यार ये तो हमारा मतलब अपना चहेता भाई है, इसने कभी मतलब वो बात ही नहीं की कोई ऐसी। हाँ ये सच है, कड़वा सच है कि हमने उन दोनों भाइयों पे भी एनालिसिस किया, खूब कायदे से किया, लेकिन अब उस एनालिसिस के बारे में भी वो लोग जो है उस वहीं से गड़बड़ ले गए। भाई क्यों ना करें एनालिसिस, भाई ये मेरा कंटेंट है ना, तो हो सकता है उन्हें मेरी ये एनालिसिस खराब लगी हो, लेकिन मैं खुल के बताऊं तो भाई मेरे हृदय में आज भी उन दोनों भाइयों के लिए उतनी ही जगह है जितनी कल थी, उन्हीं की वजह से मेरा अस्तित्व यार यूट्यूब पे, उसकी वजह से मेरा अस्तित्व है। ये मैं बार बार कहूंगा, वो बंदा मुझसे यार नफरत करे या प्रेम करे वो उसके ऊपर है, लेकिन यार वो भले कुछ भी हो मुझसे, उससे कभी बात हो या ना हो, वो कितनी भी नफरत हमसे कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो हमारा जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। हमारी शुरुआत हुई थी जो, जिसकी वजह से आप सब हमें जान पाए हो या अभी तक जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, तो यार हम उस इंसान को तो नहीं भूल सकते ना जिसकी वजह से अस्तित्व है। और इसमें कोई छोटे नहीं हो जाएंगे यार हम, ये सब बोल करके क्या छोटे हो जाएंगे क्या, ना किसी को सम्मान देने से यार आप छोटे नहीं हो जाते हो, और किसी के आगे क्षमा याचना मांग लेने से भी आप छोटे नहीं हो जाते हो। तो भाई आप दोनों से निवेदन है, क्योंकि आप दोनों ही लोग जो है यार अच्छे खासे घरों से बिलोंग करते हो, है मतलब दोनों ही लोगों को जो है क्या समझाना, हमको क्या समझाना यार, हम कोई वो थोड़ी हैं, हम सिर्फ मित्रता पूर्वक दोनों से निवेदन कर रहे हैं, हम कोई प्रमाण पत्र देने थोड़ी आए दोनों लोगों को। तो अभी वक्त है आपस के मसले स्वयं हल कर लो यार। अच्छा आपको एक चीज बता दें, इधर वाले भाई साहब को यार फिर बता रहे हैं कि कोई मैटर नहीं करता, बनाने दो जिसको, हम भी तो बना रहे हैं यार, हम भी तो बना रहे हैं,
तो क्या आप कॉपीराइट देते फिरोगे या हमसे नफरत करने लगोगे? भाई तुम नफरत कर सकते हो, लेकिन कल हमको तुम खड़े मिलोगे, हम तुमको दौड़ के गले लगाएंगे, क्योंकि वो निजी लाइफ है हमारी तुम्हारी, हम कंटेंट में तुम्हारे खिलाफ हैं। जिस तरह दो वकील होते हैं वो आपस में एक ही कोर्ट कचहरी में आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे होते हैं, लेकिन बाहर जलेबी एक ही प्लेट में खा लेते हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? और यही प्रेम की परिभाषा है भाई, तो यही करो, यही करना भी चाहिए। दूसरी चीज, उन लोगों से एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, हम हो या हमसे अगर आपको हेट है कोई भी प्रकार की, आपका पूरा अधिकार है कुछ भी आप बोलो, लेकिन अगर आपने कोई चैनल बना रखा है, अगर कोई भी चैनल, और आप बेशक मुझसे अगर बेशक नफरत करते हो, मेरी किसी बातों से असहमत भी अगर आप हो, अगर आपको पूरा हक है, और आप मुझसे शिकायत रख भी सकते हो वीडियो बना करके, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादित रखिए, मर्यादित भाषा में रखनी चाहिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो माता बहन करो, कोई दिक्कत ना है भाई, लेकिन दिक्कत वहाँ है, आपने चैनल की शुरुआत की। और देखो यार, जो भी बंदा यूट्यूबर होता है उसकी पूरी फैमिली को ये बात मालूम होती है कि यार हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा फलाना ये यूट्यूब पे काम करता है, इसका चैनल है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो अगर आपका वीडियो देखें तो आपकी अभद्रता या अपने ऊपर पछतावा ना कर पाए कि हाय राम हमने ऐसे संस्कार दिए थे क्या इसको। भले आप उनको ये समझाने की कोशिश कर लो, नहीं मम्मी इसने बहुत गलत किया है, यह इसी काबिल है इसको जो है, लेकिन माताजी भी उस वक्त यह यही कहेंगे बेटा आप ठीक है, आपको तकलीफ है इस बंदे से, आप कहो कुछ भी कहो, लेकिन गाली तो नहीं देनी चाहिए, हमने क्या ये गाली देना सिखाया था क्या तुमको, ना अभद्रता नहीं सिखाई थी ना, तो वो मत करो। मैं देख रहा हूं कुछ दिन से यार, बहुत सारे यूट्यूबर एक बंदे से, भले यार वो, मैं भी कहता हूँ हो सकता है वो बंदा गलत हो यार, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि देखो हम भाई किसी को भगवान नहीं मानते यार, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है उनसे, ठीक है, होगा गलत क्योंकि आप लोग कह रहे हो सकता है कोई गलती की हो उसने यार, एक नहीं कहो पचासों गलतियां की हो, लेकिन हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि यार कोई गलत भी इंसान है, छोड़ो उसको किनारे करते हो, पर ये सोच के देखो, आप में से बहुत सारे यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ कोई थंबनेल में मल त्याग की फोटो लगा रहा है, मतलब उसकी फोटो के साथ मल त्याग की फोटो लगा रहा है, मल त्याग की पिक, हम और आप मल त्याग करते हैं जो ना सुबह सुबह, उसकी पिक, ये अशोभनीय है मित्रों, ये ठीक नहीं है, है ना। पिताजी को गाली दे रहा है, मतलब ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है जो हम तो खैर कर ही नहीं सकते। आप विरोध करो, किसने रोका है आपको, खूब खूब गाली दो, खूब दो, लेकिन गाली का मतलब ये नहीं कि आप आका माका पड़ाका करो, आप लहजे में वैसी गाली दो आप जैसे ये तरीके होते हैं, यार तुमने यार जो है ये कर दिया, तुम मतलब दुष्ट टाइप के आदमी हो, मतलब उसकी कमियां उसे बताओ ना, उसकी आप वीडियो बना के बताओ, और ठीक है अपने प्रशंसकों को भी बताओ, उसकी सारी बुराइयां बताने का अधिकार है आपको, हक है भाई, आप क्योंकि आपको ऐसा लगता है उसने गलत किया तो आपको पूरा हक है, सभी को हक होता है यार, लेकिन पर्सनल यार मैं देख रहा हूँ बहुत, मैंने इधर कुछ दिन से बराबर देख रहा हूँ अमर्यादित भाषा में पर्सनली। अच्छा दूसरी चीज, मेरा कहना इतना जरूर है कि यार जिसको शिकायत हो उसे यार पर्टिकुलर बात करनी चाहिए, अन्य लोगों को नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है उनका, क्यों मतलब भाई, क्या मतलब है गाली देने का, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। खैर हो सकता है भाई अभी हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमसे कहो अभी किलो भर गाली हमें मिलने लगेगी कि यार अन्य लोगों को मतलब नहीं तो तुम क्यों बोल रहे, तो ये भी तो देखो भाई, मैं दोनों लोगों को मिलाने की बात कर रहा हूँ, अलग करने की नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, है ना, समझो मेरी बात को, हमें मालूम है बाद में हमको किलो भर गालियां दोगे, बहुत सारे लोग देंगे,
और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों से सहमत होंगे। यार भाईचारा से बढ़ की कोई चीज नहीं, इसे जिंदा रखने की कोशिश करो। वैसे भी देख रहे हो हालात क्या चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो इन हालातों को और ज्यादा, यार यूट्यूब एक फैमिली है और अपनी परिवार माला को तोड़ करके कोई भी खुश नहीं रह पाया है ना। वो याद है ना वो मूवी में एक डायलॉग था, कौन कहता हो ये अपनी परिवार माला को तोड़ करके कोई भी आज तक खुश नहीं हो पाया। आपसी मैटर को सुलझाओ, बात करो, बात से जो है वो है। और उदाहरण के लिए हम बता दें भाई कैसे सुलझा सकते हो, तो एक बंदा ये कह दे, खुल के कह दे कि भाई मैं देखो आपके बारे में वीडियो तो बनाऊंगा, और दूसरा बंदा ये कह दे, सीना तान के कहे, ठोक के कहे सीना कि तुम बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, मैं तो अपनी चाल चल रहा हूँ, चलूंगा, मेरे क्या फर्क है यार। और सीने ठोक के तुम कहो यार, तुम्हारा हक है, तुम बना रहे हो, तुमने अपना हुनर दिखा करके सम्मान कमाया है, तुम कह सकते हो, तुम्हें क्या फर्क है यार। लेकिन जहां जब तुम यार जैसे मान लो उसको रोकोगे, दबाव डालोगे उस पर, तो वहां पे मान लो वही वो ये कुछ उल्टा साबित हो जाता है, ऐसा लग मतलब फिर वो उस दुनिया ये जानेगी ना कि यार लो यार तुम दबा रहे हो, इसका मतलब तुम गलत हो, तुमको डर लग रहा है इसके सवालों से, क्यों डरोगे। जब कोई भी इंसान अच्छा काम करने वाला हो या गलत काम करने वाला हो, समझना मेरी बात को, गलत काम करने वाला भी जिस दिन वो गलती की शुरुआत करता है, शुरुआत, तो इन चीजों की परवाह वो एक कोने में रख करके घर पे आता है कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, डिकाना क्या कहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यार वही चीज आपने भी सोची होगी जब आप आए थे इस लाइन में, याद करना मेरी बात को, जरूर सोची होगी। जिस तरह से कोई भी जो है अपना कोई पद हासिल करता है तो एक कसम लेता है, हम कसम खाते हैं कि हम डाट 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 डाट, ठीक है, हम लोकतंत्र में नहीं पढ़ेंगे, उसमें अच्छी उस चीज को राजनीतिक बात नहीं करेंगे। तो उसी तरह से जो है आप जब आए थे तो आपने एक संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए हम अपना, हमने जो संकल्प लिया वो काम करेंगे, हमें अगर फेक दिखाना तो फेक दिखाएंगे, जिसको जो बोलना बोले यार, जिसको जो बोलना हो, आपका पूरा अधिकार है दिखाने का। लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते किसी पे, कोई मतलब नहीं बनता भाई, कोई मतलब नहीं। बाकी निजी लाइफ से अगर किसी की परेशानी है या किसी बंदे ने आपको निजी बोला है, तो आप भी उसको पर्सनल फोन करिए, बात करिए उससे। लेकिन यूट्यूब पे यार कहीं ना कहीं अपने साथ खिलवाड़ कर लोगे, और दोनों लोगों के लिए ये बात बता रहा हूं, तो दोनों लोगों के लिए एक ही चीज कह रहा हूं भाई कि अगर तुमसे कोई गलतियां हुई हैं तो तुम उसके समक्ष क्षमा याचना कर लो, और अगर भाई तुमसे कोई गलतियां हुई हैं तो तुम क्षमा याचना कर लो। ईगो मेंटेन मत करना यार एक दूसरे के प्रति कोई भी, ये ईगो बड़ी खराब चीज होती है भाई, बहुत खराब चीज, ठीक है ना, ईगो बहुत खराब चीज होती है। झुकना सीखो, अहिंसावादी बनो यार, गांधी की सोच वाले बनो, ठीक है ना। तो बस हम इससे ज्यादा क्या तर्क रख सकते हैं, हाँ रखेंगे, अभी जब किलो भर हमारे पास मैसेज गिरेंगे, आप लोगों के कमेंट आएंगे जरूर, ये मुझे मालूम है जरूर आएंगे, उसमें हमको बहुत से लोग का कुछ भी बोले, गंदी गंदी गालियां भी दे सकते हैं, और समझदार पीपल जो होंगे, समझदार सभी हैं मेरे लिए यार, कोई हम किसी को गंवार नहीं मानते, ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है, और हम किसी के गाली का भी जो है हम अपने आप को अपमानित नहीं समझेंगे, दो गाली और तब भी हम सम्मान करेंगे, हृदय में जगह है मेरे, हम नहीं यार बदले में तिलस्कार कर सकते हैं किसी का। और दूसरा पक्ष से कुछ सवाल, मेरा मतलब मेरा कहना सिर्फ इतना भाई कि कहीं ना कहीं तुमसे भी कोई ना कोई त्रुटियां हुई हैं, जरूर हुई है, क्योंकि ताली जो है वो हमेशा दोनों हाथ से बजती है, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ की गलती है तो तुम्हारी नहीं है,
मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, बाकी तुम दोनों लोग जानो क्या है भाई। मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक वीडियोस में सुना या अन्य लोगों से सुना, भाई आप लोगों के बीच में यह कमिटमेंट हुआ था कि कॉपीराइट आपके पास आया था तो आपसे कहा गया था कि आप अपने बाकी के वीडियोस हटा लो या ऐसा कुछ था जो भी है, तो आपको हटा लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं हटाए। और अगर मेरे को हो सकता है ना जानकारी हो इस चीज़ की, अगर मान लीजिए हटा भी लिए या नहीं हटाए, तो जो कुछ भी है इस वाले पक्ष को आप बोलो, बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लियर सारी मसले को क्लियर करो। दूसरी चीज, हमको ये बहुत ही खराब चीज एक लगी सुनने में कि ये बच्चों की कस्में आपने जो खाई, भाई ये गलत चीज है। कोई आप यूट्यूब इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई, है, और बच्चों बच्चों की कस्में खा करके अगर वीडियो बनाओगे, आगे बढ़ने को सोचोगे, व्यूज अन्य चीजें बनाओ, खूबसूरत चीजें बनाओ, अपने कंटेंट बनाओ, एक्सपोज ही करना वो भी करो, कोई दिक्कत ना, लेकिन बच्चों बच्चों की कस्में खाना ये अच्छी बात नहीं है भाई, क्या जरूरत है। और फिर दूसरी चीज सुनने में मिल रही है कि मतलब उसके बाद आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आगे जब अन्य वीडियो भी आपने बना ली उसमें आप कह मान रहे हो इस चीज को कि बच्चों की कस्में आपने खाई है, और उसमें साथ में कह रहे हो कि नहीं हम मतलब धर्म ऐसा बोलता है, खानी पड़ती है कस्में कुछ भी करने के लिए। ऐसा नहीं धर्म बोलता भाई, ये थोड़ी बलि थोड़ी चढ़ा देता है कोई बच्चों की। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर ये देखिए मेरी नज़र में एक गलती है और गलत चीज है, बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह है यार, इसको समझो। इवन अगर ऐसा कुछ हुआ है आपसे, आपके मुंह से निकला हो या जो भी निकला हो, कुछ भी कहा हो, क्षमा याचना करो यार, उसके लिए क्षमा प्रार्थी बनना चाहिए भाई, ईश्वर से क्षमा याचना करो और सामने वाले व्यक्ति से बोल दो इस चीज को, वरना होगा क्या, चार पांच आदमी, दस आदमी, बीस आदमी इस बात को उठाते ही रहेंगे, ठीक है ना, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह सही भी कह रहे हैं भाई, बच्चों बच्चों की कस्में आप खाओगे तो ये कोई भी इस चीज को जो है बोलेगा आपसे, या तो क्षमा याचना कर लो, उसका वीडियो एक वीडियो बनाओ सुंदर सा, उसमें एक क्षमा याचना कर लो, भाई जो भी हुआ मेरे मुंह से निकला, गलती हुई मेरे से, ऐसा कुछ कर लो, कोई दिक्कत ना है इसमें। और देखो हम इसलिए कह रहे हैं यार, एक पक्ष के बारे में अपनी राय हमने रखी, दूसरे पक्ष के बारे में भी अपनी राय रख रहा हूं, उसको जो है पर्सनली या व्यक्तिगत लेने का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ विचारधारा है हमारी जो हमें सुनने में, उसके आधार पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूं जो कि वीडियोज अब तक देखे हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यार आप लोगों के बीच की जो कंट्रोवर्सी ये है, जो और भी ज्यादा गर्म होती जा रही दिन पर, ये अच्छी बात नहीं है, ये प्रेम से यूट्यूब का काम करना है भाई, वीडियोस बनाने हैं प्रेम मोहब्बत बांटते हुए बनाने हैं। और ये भी सुनने में आया कि आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जो है सामने वाले व्यक्ति को गाली अली दिलवाई है, अभद्र शब्दों का प्रयोग कराया है, तो भाई ये तो आप ही लोग जानते हो, अगर ऐसा है कि नहीं ये मेरे को नहीं मालूम, ऐसा सुनने में आया। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि इवन अगर ये सब चीजें हुई तो उसके लिए यार क्षमा याचना करो, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और फिर एक अभी कल मैंने वीडियो देखा, उसमें मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये लीगल लीगल नोटिस लीगल भेजी या इलीगल भेजी या स्वतः ही बना के भेजी, ये नोटिस भेजना ठीक नहीं है। इतनी बात को आगे क्या बढ़ाना भाई, कोई पाप और कोई क्राइम थोड़ी किए हो आप लोग, कौन सा क्राइम कर दिया है, सिर्फ एक्सपोज कर दिया एक बंदे ने और दूसरे बंदे ने आपसे मतलब नाराजगी जता दी, तो ये कोई क्राइम नहीं हो गया, उसने अपना उसने नाराजगी जताई उसका अधिकार है, आपने एक्सपोज किया आपके वीडियो का कंटेंट है, लेकिन आप दोनों लोग इन बातों को इतने आगे क्यों बढ़ा रहे हो, ये सोचो यार, इसी मिट्टी के निवासी हो दोनों ही लोग, एक YouTube फैमिली के मेंबर हो, आगे अपना अपना काम कर रहे हो, करो ना, क्या दिक्कत है। और फिर उस अब नोटिस वाले वीडियो पे मतलब आपकी ये इस हरकत, ये मतलब हरकत ही बोलूंगा, ये जो भी हो, अगर ये को मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे को ये नहीं मालूम आपने ऐसा किया नहीं किया, नोटिस भेजी, मैं वीडियो के आधार पर बोल रहा हूं, तो बस अगर ऐसा सही, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर ऐसा सही कुछ है, अगर वाकई आपने नोटिस भेजी तो गलत चीज है, ये सब नहीं भेजना चाहिए आपको, ये बचकानी हरकत है भाई मेरी नजर में। और बाकी देखो आप लोगों का मैटर है, मैं मोहब्बत बांटने आया हूं, उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं समझते हो यार,
तो फिर वो आप ही लोगों पे छोड़ देता हूँ मैं। दोनों लोग भाई एक दूसरे से जो भी संपर्क रखो, जैसा भी रखो, जो भी करो, मेरी कोशिश ये रहती है कि बस एक हो, प्रेम बटे, प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं। यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि यार आप दोनों के घर वाले देखें, फैमिली में और भी लोग जो वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे, उनके भी फैमिली मेंबर देखें तो खुशी खुशी कहें भाई मेरे लड़के ने जो है ये कंटेंट बनाया, वाह भाई वाह, लाइक मिले हैं, व्यू आ रहा है, उनको खुशी हो यार। अब वो देखेंगे यार क्या है, नौटंकी आ रही। ये सब नहीं करना है ना, सभी लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ ये, जो भी आप सब लोग हो, जो भी वीडियोस बना रहे हो इन सब मुद्दों पे, भाई राय रखो अपनी अपनी, ये गंदे शब्दों का और ये मतलब मल त्याग और जानवरों की फोटो लगाना ये शोभा नहीं देता। आप सभी लोग उच्च वर्गीय प्राणी हो यार, अच्छे घरों से बिलोंग करते हो, अच्छे कुटुंब से संबंध रखते हो, उसके बावजूद ऐसा ऐसा करते हो। जो किसी भी राज्य का हो, कोई किसी भी नगरी का हो, सबके नगर और राज्य सभी अच्छे होते हैं, सारे जो है सब है तो यही मिट्टी यार, उस मिट्टी की पहचान बनो, सब एक हो, अलग नहीं हो। और भाई मैं अपनी बात अगर करूं, मेरे को भाई आप दोनों में से किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मैंने अपने जो विचार हैं वो रखे हैं और इतना ही बस कहना चाहूंगा और कुछ नहीं है। और आप लोगों को ये चीज बस अंततः बताना चाहता हूं कि हमारा ये उद्देश्य था कि काश हम आप लोगों के ये बीच के जो है ना समझी को, मिथ को क्लियर कर सकें या खत्म कर सकें, समाप्ति की ओर ले जा सकें। इस वीडियो के जरिए मैंने यह पूरा प्रयास किया है, दोनों लोगों के पक्ष रखे हैं, आप दोनों के बीच जो भी गतिविधियां हैं उनको आखिरी अंततः में स्वतः सुलझाने का प्रयास करें, यही मैं अपने शब्दों का विराम दूंगा कह करके। ये अच्छी बात है, दोनों पक्षों से कह रहा हूं भाई, आप भी नफरत करना बंद करो और आप भी ये सब करना बंद करो, आप कंटेंट बनाओ अपने। और हाँ आपसे बोल रहा हूं कि आप यार जो कुछ दिखा रहे हो दिखाओ, ओ, मर्दों की तरीके बना रहे हो तो शुरुआत से मर्दानगी दिखा रहे हो तो अब भी दिखाओ, क्या जरूरत है ये सब चीजों में पढ़ने की, क्यों जो है किसी को कॉपीराइट भेजने से कोई थोड़ी हासिल हो जाता है, क्या मतलब है, और क्यों भेजोगे, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो यार, कोई गलत काम थोड़ी करे दे रहे हो, मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो तो मेहनत करो। वो अपने सवाल उठा रहा, उसके अपने सवाल लाजमी है, अब भाई तुम भी समझो इस बात को यार, वो भी शुरुआत से लगा पड़ा मेहनत कर रहा है, अगला रातों में कैमरा ले करके जाना, कुछ भी भले कुछ भी कर रहा हो, लेकिन यार बस एक डिस्क्लेमर नहीं लगा रहा, वो आपका मुद्दा, आप लोगों कुछ भी बोलो, वो मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा, वो आपके अपने अपने राय है, किसी को पसंद है किसी को ना पसंद है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो खत्म करो इन चीजों को और मोहब्बत बांटो आपस में। और सभी लोग जो आज अलग अलग फिर रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने YouTube के इतिहास में बहुत सारे ऐसे जो है कंट्रोवर्सीज देखे जो अंततः समाप्त हो गए, मोहब्बत से ही समाप्त हुए भाई। आप उठा के रिकॉर्ड देख लो, पिछले कुछ चैनल्स हैं जो आपस में लड़ गए थे, हाका माका पड़ाका भी कर गए थे, और उसके बाद फिर कंधे से कंधा मिला करके जो है एक दूसरे को किस करते हुए आए, मतलब प्रेम बांटते हुए, स्नेह में गालों पे किस किया यार, मतलब आप दोस्ती है करते हैं लोग खुशी खुशी, तो ऐसा कुछ करो यार, विचारधाराएं अलग अलग रखो और ये ना करो, बस ये शोभा नहीं दे रहा है। और हमारी इन बातों से किसी को भी कोई त्रुटि पहुंची हो भाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और व्यक्तिगत हानि पहुंचाने का किसी को भी अपना कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था, उद्देश्य नहीं था हमारा। और तुमको भाई सोचना चाहिए, तुम यार उस नगर के वासी हो जो ईश्वर की नगरी है यार, हैं, और वहां की पहचान बनो। हम तो कभी कभी सोचते हैं काश हम इतने किस्मत वाले होते कि हम मतलब मथुरा से संबंधित होते, वहां के निवासी होते। आप हो, आपको ये सौभाग्य मिला है तो वहां की मिट्टी की पहचान बनो और कुछ ऐसा करो कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो यार, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इवेन लगा रहा हूं, अगर मैं उनका पक्ष रख करके मैं एक प्रकार से बोल रहा हूं कि अगर वो ऐसा उनकी नजर में अगर आप गलत हो तो भाई उस गलती को दूर करने का प्रयास करो आपस में दोनों लोग, बस इतना ही मुद्दा अपना। तो आप मैं इतना ही चाहता हूं कि यार मथुरा नगरी से बिलोंग करने के बाद, ब्रह्मणपुर में जन्म लेने के बाद अगर कोई त्रुटियां हुई भी हैं आपसे, गलतियां हुई हैं,
तो क्षमा याचना करो, ऐसे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्षमा याचना से कोई छोटा नहीं हो जाता है, कोई छोटा नहीं होता है आज तक मैंने देखा है, ठीक है ना, बड़े ही बन जाता है कहीं ना कहीं, सम्मान मिलता है उससे। हम तो भाई करते हैं यही काम, तो हम इसलिए बोल रहे हैं। हमसे अगर कोई भी त्रुटि होती है तो हम खुल करके क्षमा याचना करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, पूछ लेने में कोई गुनाह नहीं है। तो बस ये करते रहना है। और अब दूसरी बात रखते हैं, अपने वीडियो को विराम देते हैं भाई एक चंद लाइनें बोल करके कि यार जितने भी लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं बंद कर रहे हैं और अपना अपना कंटेंट बनाए भाई, नफरत को प्यार में कभी बदल करके देखो यार, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी बड़ा, मतलब बहुत। एक बार नफरत करने वाले से भी एक बार प्यार करके देखो यार, मैं तो ये भी कहता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ यार। आप मेरे वीडियोस की कमेंटें उठाइए, जिन्होंने मुझे आका माका पड़ाका तक की गालियां दी हैं उनसे भी भाई मैंने एक ही चीज बोली, हृदय से सम्मान है मेरे भाई आपका। और 5 बार प्यार बांटने के बाद वो इस तरह पिघलता है यार, उसे ताज्जुब होता है, खुद पे वो शर्मिंदा होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों आप लोगों से कह रहा हूं सभी से कि नफरत में कुछ नहीं रखा है, प्रेम बांट के देखो। जो भी गलत फहमियां हैं, मसले हैं, मुद्दे हैं, और गलत फहमियां नहीं, गलतियां भी अगर हैं एक दूसरे से हुई हो, किसी से भी हो यार, भुला के देखो गलती, क्षमा याचना मांग के देखो एक दूसरे से। प्रेम में बहुत ताकत है यार, बहुत ताकत है। और मैंने नफरत आज तक फैलाने काम नहीं किया भाई। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर कर दिया हमने, बहुत सारी बकवास कट डाली है, आप लोग में से बहुत से लोग बोलोगे, लेकिन अंततः एक ही बात बोलो भाई, नफरत, मतलब मेरा उसूल यही था वीडियो बनाने का कि नफरत बंद करो, प्रेम फैलाओ इसकी जगह। आप प्रेम करके तो देखो कोई कब तक नफरत करेगा यार, ये भी करके देखो आप। मैंने बहुतों का दिल जीता है यार, बहुतों का, कट्टर नफरत करने वाले जो हमसे थे उनका भी दिल जीता मैंने प्रेम करके, प्रेम से हासिल किया मैंने। प्यार करने पे मजबूर कर दो इतना ज्यादा किसी को, मतलब नफरत करने वाले को, कि वो नफरत भूल के आप मोहब्बत करने लग जाए यार आपसे। ये मतलब सच्चाई है कहीं ना कहीं इस बात में, हमने इसको प्रैक्टिकली जिया है। और आप लोग बताना भाई, दोनों पक्षों के, दोनों लोगों के प्रशंसक जो सहमत हैं वो भी मुझे बताएं, जो असहमत हैं वो भी मुझसे सवाल करें। गाली गलौज अगर करोगे तो भाई हम जवाब कैसे दे पाएंगे आप बताओ, आप सवाल करोगे तो हम जवाब देंगे। और हाँ, पूरा अधिकार सबको है भाई बोलने का, सबको हम छोड़ देते हैं। सब लोग अपना अपना मत रखो, तर्क रखो, क्या मैं गलत हूँ कि लोगों को एक करना और गुनाह है क्या। एक चीज जाते जाते और बोलना चाहेंगे, आप में से जितने भी लोग हैं, बार बार कह रहा हूं इस चीज से मत जोड़ना मेरे को कि मैं इधर वाले का पक्षकार हूं या इधर वाले का पक्षकार हूं। हमको कोई मतलब नहीं भाई किसी का पक्ष रखने से, कोई मतलब नहीं। हम जहां भी दो अनजान लोगों को भी नफरत करते अगर देखेंगे तो प्यार बांटने काम करेंगे। प्रेम फैलाओ, भ्रम दूर करो, अपने भ्रम मिटाओ। अगर खुद से भी किसी को नफरत है तो उससे जाके इल्तिजा करो कि भाई तुम गलत हो, मेरी नजर में ये तकलीफ है तुमसे हमें। ना माने फिर प्रेम करो उसे, ना माने फिर मोहब्बत से पूछो, ना माने मोहब्बत बरकरार रखो, वो पिघल के एक दिन खुद बिखर जाएगा। मोहब्बत में वो ताकत है, करके तो देखो यार। मैं जरूरी नहीं हूँ वो जबरदस्ती किसी पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ, दोनों लोगों से कह रहा हूँ, कोई गलत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी नज़र में यार सब अच्छे हैं, सब भाई हैं मेरे। तो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट, नंदन वाजपेयी, धन्यवाद।